नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। तो दोस्तों, जो भाई पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें और देखते रहें यूं ही। तो दोस्तों, आज हम चलाने वाले हैं हिमाचल पथ परिवहन निगम की ये बस, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने काफ़ी गेम प्ले के वीडियोस डाले हैं, बट आप लोगों को शायद वो इतने पसंद नहीं आ रहे, और कुछ एक दो बंदों ने, ज़्यादा तो नहीं बट एक दो बंदों ने मुझे ये भी कहा है कि आप यार लाइव आपकी फ़ोटो भी आनी चाहिए गेम खेलते, तो इसलिए मैं आज वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, और इसमें मैंने बड़ी मुश्किल से अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड करी है ये वीडियो। तो दोस्तों, हम चल पड़े हैं पहाड़ों पर, हिमाचल परिवहन निगम की बस को लेकर, और रेड लाइट हो चुकी है और आप देख सकते हैं काफ़ी लग्जरी बस है। ये है मंडी टू दिल्ली, तो हम मंडी टू दिल्ली के रूट पर इसको चला रहे हैं, और ग्रीन लाइट हो चुकी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें मैप को फॉलो करते हुए, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के बॉटम कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा मैप आ रहा है, जिसमें रेड लाइन दिख रही है, हमें उसे फॉलो करना है पूरा टाइम। और थोड़ी सी गाड़ी डैमेज हो गई हमारे यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा खड्डा था या क्या था, थोड़ी कर्व थी, मैंने थोड़ी स्पीड में निकाली, तो अब थोड़ी सी ब्रेक मारनी पड़ेगी। और देखिए ट्रक हमसे फास्ट जाता हुआ। तो दोस्तों, अब यहाँ से लेफ्ट लेना है, और ये क्या रेड लाइट हो चुकी है दोबारा से। तो देवभूमि हिमाचल की ये बस है, और काफ़ी अच्छी स्किन डेवलप की है मिस्टर रोहित कृष्णा ने, और थैंक यू सो मच फॉर डेवलपिंग दिस स्किन। और उसके बाद मैं बात करता हूँ कि हम जा रहे हैं मंडी टू दिल्ली, यानी कि दिल्ली टू मंडी के रूट पर, और ये एक्चुअल में मैप जो है जॉन डेथ करके एक मैप है वो है, और कोलंबिया का ये मैप है, और इसमें हम चला रहे हैं ये बस को। और ये ट्रैफिक मोड है केरला का डिज़ाइन किया हुआ, केरला KBS करके एक टीम है उसका। तो दोस्तों, सबका थैंक यू, और जो मेरे चैनल पर मुझे देख रहे हैं इस टाइम मेरे वीडियो को और पसंद करते हैं जो वीडियोस को, उनको भी भाइयों को थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, देख सकते हैं बस पूरी लोडेड है, फुली लोडेड है, और ट्रक हमसे फास्ट जा रहे हैं, तो थोड़ी सी स्पीड को हमें इम्प्रूव करना होगा, और साथ के साथ बस की हैंडलिंग भी, बिकॉज मेरे पास स्टीयरिंग नहीं है, और मैं स्टीयरिंग व्हील का यूज़ नहीं करता, और मैं सिर्फ कीबोर्ड से ही प्ले कर रहा हूँ बस को, और इसीलिए थोड़े से जो कट्स होते हैं वो सही से नहीं कट पाते, क्योंकि अगर स्टीयरिंग व्हील हो तो बहुत ही अच्छे से ड्राइव कर सके बंदा। मुझे ड्राइविंग आती है, तो ऐसी कोई डाउट नहीं है कि मुझे नहीं आती, बट ये गेम है तो इसे चलो ज़्यादा सीरियसली नहीं खेलते हैं इसको, बट कोशिश यही करते हैं कि किसी को हम ठोके ना फालतू में, और सीधे चलते रहें। तो 60 की लिमिट यहाँ पर का बोर्ड आया था अभी, और एक आगे बस भी जा रही है, और उसके आगे दो ट्रक, और काफ़ी मुश्किल होती है कीबोर्ड से मैनेज करना, या तो आप कीबोर्ड से इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे क्या कहते हैं माउस से भी आप हैंडल कर सकते हैं, इसमें सेटिंग्स का ऑप्शन होता है जिससे आप हैंडल कर सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड से हैंडलिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि आप लेफ्ट को काट रहे हो तो थोड़ा सा आपको ब्रेक्स का भी ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि टायर्स जो हैं वो फ्रीक्वेंटली आप जैसे हैंड से मूव करते हो वैसे तो नहीं कर सकते, बट फिर भी थोड़ा सा आप स्टीयरिंग को चेंज कर सकते हो, कीबोर्ड की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, तो इसलिए मैं कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ। तो थोड़े से जैसे भी कर्व वाले मोड आते हैं, जैसे कि अभी आया था, उसमें मुझे थोड़ी सी ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी ट्रैफिक है इस रोड पर, और कर्व्स भी हैं। तो दोस्तों, चलिए थोड़ी सी स्ट्रेट रोड है, तो इसलिए हम थोड़ी सी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं बस की, और एकदम से हमें ब्रेक भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आगे आ गया है टोल, और यहीं से हमें टोल लेके आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन किया है कोलंबिया का ये मैप, आप देख सकते हो टोल भी बिल्कुल जेन्युइन है, और हिल्स जो है वो काफ़ी ब्रिलियंट है, और आगे जो बस जा रही है वो भी इंडियन मोड ही है, और बस के पीछे लॉर्ड कृष्णा की फोटो बनी हुई है, आप देख सकते हो। तो बस निकल गई है, अभी हमें यहाँ से टोल लेना होगा, तो थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ बस को। ओके, कट नहीं रहा,
थोड़ी सी और आगे। ओके तो ये आ गया ऑप्शन टोल को पे करने का, पर टोल 0 रुपी, कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ा है, टोल शायद माफ हो चुका है। अभी पीछे टोल माफ भी हुआ था। तो दोस्तों देख सकते हो आप, काफी डेंजरस काम थी ये भी और डेंजरस रूट ही है ये भी। और बस हमें बिल्कुल स्पीड को थोड़ा मेंटेन रखकर और आराम से हमें जाना होगा। काफी बढ़िया रोड है, आप देख सकते हो क्या बढ़िया वादियां हैं। जैसे कि मंडी में मैंने विजिट मारी है, मैं मंडी गया हूँ, मंडी बिल्कुल ऐसा तो नहीं बट कह सकते हो कि हिल स्टेशन है, और ऐसे ही रोड्स हैं वहाँ पर भी, और वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ये, बट सिंगल वे है। बट वहाँ पर अब रोड्स बन रहे हैं, मैंने शिमला के रूट में देखा है कि बहुत बढ़िया रोड बन गया है। और देखिए काफ़ी इंडियन ट्रक्स का जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं, ये भी एक इंडियन मोड है जिसके थ्रू ये ट्रैफिक मतलब हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो दोस्तों चलिए मंडी के रूट पे बढ़ रहे हैं आगे, और थोड़ी सी हमने परफॉर्मेंस भी बढ़ाई है। रोड में काफ़ी कर्व्स हैं, तो इसलिए बार बार हमें कट प्रॉपरली लग नहीं पाता, इसलिए कर्व पे हमें ब्रेक का यूज़ करना पड़ रहा है। तो आगे कोई शहर टाइप, कोई टाउन टाइप कुछ आ गया है, देख सकते हो आप, बिल्कुल आराम से काटना पड़ रहा है, बिकॉज मैं गियर भी खुद चेंज कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड से ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, गियर भी खुद चेंज कर रहा हूँ, और लेफ्ट और राइट जाने के लिए मुझे ब्रेक का भी यूज़ करना पड़ता है, और थोड़ी थोड़ी देर में मुझे गियर्स को भी प्रॉपर वो करना पड़ता है, क्योंकि मैंने मैन्युअली पे नहीं कर रहा, मतलब ऑटोमेटिकली गियर का वो नहीं कर रखा, मैं मैन्युअली ही गियर्स जो है वो चेंज कर रहा हूँ। तो दोस्तों पहली तो ये बात है कि अगर आपको मेरे मतलब ये वीडियोस पसंद आते हैं, या कोई और गेम प्ले के वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए बना दूंगा। टाइम होता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस के बाद मुझे ये वीडियोस बनाने होते हैं, ऑफिस का भी कुछ काम होता है, जॉब करता हूँ मैं, तो थोड़ा टाइम निकाल के मैं डालता हूँ, बट आजकल वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा सा ज़्यादा वीडियोज़ में डाल देता हूँ, और सोचता हूँ आप पसंद करोगे। और अभी तक ज़्यादा कोई अप्रिसिएशन मुझे मिली नहीं है, क्योंकि मेरे 4.5 भी नहीं हुए हैं सब्सक्राइबर अभी, और लाइक्स तो बहुत ही कम आते हैं, 4,000 सब्सक्राइबर होने के बाद भी साला मेरे में 10 लाइक या मुश्किल से 5 लाइक। बट फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियोस, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी मेरे वीडियोस की वैल्यू होगी, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो, अगर उसको आप करते रहते हो करते रहते हो, तो उसमें आप एक तो एक्सपर्ट हो जाते हो। और ये देखिए काफ़ी बड़ी ज़बरदस्त कर्व थी, और मुझे रोकनी पड़ गई बस, नहीं तो आगे जाके टकरा जाती ट्रक के साथ। तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेरी कम से कम इस चैनल पे 470 के अराउंड मैंने वीडियोस डाली है। मैंने कोशिश करी है कि दूसरी गेम्स के भी मैं गेम प्ले डालूँ, बट लोग उन्हें ज़्यादा देखते नहीं हैं, कभी 10 व्यू, कभी 20 व्यू, कभी 50 व्यू, इतने व्यूज आते नहीं है। तो बस इसके वीडियोज इसलिए क्योंकि इसमें कई बार 100 व्यूज आ जाते हैं, कभी कभी इसमें व्यूज आ ही जाते हैं, मतलब थोड़ा लोग पसंद कर लेते हैं ड्राइविंग वीडियोस। तो मैं इसलिए इस चैनल पे सिर्फ ड्राइविंग वीडियोस डाल रहा हूँ। मैंने देखा लोगों के बहुत सारे चैनल हैं खुले हुए, जिसमें लोगों की लोग अलग अलग गेम्स के गेम प्लेज देखना चाहते हैं, बट मेरे चैनल पे अभी तक कोई ऐसी डिमांड आई नहीं है, और मैंने ऐसे वीडियोस डाले हैं बट उनको ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो इसलिए दोस्तों मैं सिर्फ नॉर्मली बस के वीडियो डाल रहा हूँ, और लोगों की हेल्प कर देता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है मतलब बस के मोड को इंस्टॉल करने में या गेम को डाउनलोड करने में, तो बस मैं यही कर रहा हूँ। तो यहाँ से अब मुझे लेना होगा राइट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रूट काफ़ी बढ़िया है, बहुत बेहतरीन हिमाचल की वादियों की याद दिला दी इस रूट ने, और बस भी बहुत ही बढ़िया लग रही है, और बिल्कुल रियल वाला फील आ रहा है बस को ड्राइव करके, बिल्कुल मतलब बस में मैं बैठा हूँ, और मैंने जैसे पहले भी बताया था, बहुत सारे वीडियोस में बताता रहता हूँ कि बस में मैं बैठा हूँ, बस में सफ़र कर चुका हूँ इस वाली, और काफ़ी इसी तरह से वो पूरी डिज़ाइन होती हैं और इसी तरह से वो चलती हैं। तो दोस्तों ये देखिए बहुत ही खतरनाक था ये भी मोड़, मतलब मुझे ब्रेक लगा लगा के काटना पड़ा, और अभी तक रोड जो है वो नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा खतरनाक या बहुत ज़्यादा कर्व्स नहीं है इस रोड पे, पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब ड्राइव करके बिल्कुल
नॉर्मली कोई दिक्कत आ नहीं रही है ज़्यादा, ना कहीं ट्रैफिक का कोई जाम वगैरह है। हालांकि ट्रैफिक ट्रैफिक बहुत है रोड पर। तो दोस्तों ये रूट कहाँ तक हमें ले जाता है देखते हैं, क्योंकि हाईवे है ये और काफ़ी बढ़िया। पहाड़ देखो, लोगों के घर देखो, अभी बिल्कुल इंडियन मैप की तरह लग रहा है। इंडियन मतलब जब भी आप कभी हिल स्टेशन पर जाते हो तो इसी तरह के पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। और ये देखिए, अब आप देख सकते हो काफी बुरी तरह से, मतलब जो ट्रक है वो लोडेड है, जैसा कि इंडिया में होता ही है। ट्रक को ओवरलोडेड की कर दिया जाता है, ट्रक ओवरलोडेड है यहाँ पर भी। और हमें सीधा ही जाना, खैर एक राइट में भी बहुत अच्छा रूट लग रहा है, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, राइट में भी रूट जा रहा है, बट हमें सीधा जाना है। और यहाँ से ये देखिए दोस्तों, बहुत ही टाइट कर्व है, मतलब बिल्कुल टाइट मोड है, इससे हमें बिल्कुल आराम से काटना होगा और बिल्कुल परफेक्टली हमने काट लिया ये भी। और थोड़ी सी उतराई वाला रास्ता है, मतलब काफी ढलान है नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। ओहो वाह, अमेजिंग, और व्यू भी बहुत प्यारा लग रहा है यार। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था गेम्स की, कि गेम्स तो मैं कोई भी डाल दूं गेम प्ले जो मेरे पास अवेलेबल हो, बट लोग क्या देखना चाहते हैं मुझे ये नहीं पता। और अगर ज़्यादा व्यूज़ आते तो मैं शायद और भी वीडियोस डालता, बट व्यूज़ नहीं आते हैं, वीडियोस में बहुत मेहनत लगती है अगर आप बनाते हो। फिलहाल तो कैमरा से अलग रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है और कैमरा है नहीं कोई भी, तो मोबाइल के कैमरे से अभी काम चल रहा है। तो देखो दोस्तों, ये आ गई है एक मतलब अंडरग्राउंड गुफा सी, बहुत ज़बरदस्त। और देखिए यहाँ से हमें पास लेना होगा ट्रक से, बट नहीं ले सकते क्योंकि आगे से भी ट्रैफिक आ रहा है, काफी ट्रैफिक है इस रूट पर दोस्तों। ओके चलते हैं, सीधा 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 आगे जाना होगा, पर यहाँ पर मौका है, मैं यहाँ से पास ले सकता हूँ अगर मैं थोड़ी सी स्पीड को इम्प्रूव करूँ, बट देख के लेना होगा क्योंकि चलो मैं ले ही रहा हूँ, आगे से ट्रक आ जाता है ना कई बार, बट चलो एक ट्रक से मैंने पास ले लिया है। और यहाँ पर क्या जाम लग गया है, मुझे लगता है ये लेफ्ट में जाने वाले हैं आगे जो ट्रक खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर जाम लगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस। तो ट्रैफिक बढ़ नहीं रहा है आगे, मुझे लगता है इन्होंने लेफ्ट में जाना है इसलिए ये रुके थे। हाँ बिल्कुल सही, तो ये लेफ्ट में चले गए हैं, हमें जाना है बिल्कुल सीधा। तो दोस्तों फिर ढलान वाला रास्ता, मतलब बहुत ही उतराई वाला, निचाई वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं। और 80 की स्पीड लिमिट आ रही है यार, अब 80 की स्पीड लिमिट दिखा रहे हैं, 80 की दिखाएं या चाहे 40 की, अब मुझे तो उतने ही स्पीड में जाना होगा जितनी स्पीड मेरी मेरा कंप्यूटर, मतलब मेरी मतलब जिसमें मेरे बस के कट्स लग जाए। और दोस्तों वाव, आगे से आगे रोड काफी अच्छा है, मुझे ऐसी रोड ज्यादा पसंद है जो अब मतलब आप देखेंगे सिंगल वे, मतलब आ गया वन वे जिसे कहते हैं, टू वे या वन वे कहते हैं इसको पता नहीं, बट ये रोड अच्छी है जहाँ यहाँ पर आगे से कोई गाड़ी नहीं आएगी, इसलिए हमें बिल्कुल स्पीड में बढ़ा कर पास लेने होंगे गाड़ियों, मतलब सारे ट्रकों से पास लेने हैं। तो अभी मौका है इसलिए मैं अब चौका मारने जा रहा हूँ दोस्तों, सभी ट्रकों से पास लूँगा। तो जितना टाइम पे ये रोड आ रही, मतलब ऐसी रोड आई है सिंगल वे जिसे कहते हैं वन वे, जिसमें सारा ट्रैफिक जो है मतलब लेफ्ट में जाने वाला अलग है, राइट में से जो लोग आते हैं उनके लिए अलग है। तो दोस्तों पास ले रहा हूँ मैं ट्रक से, आप देख सकते हैं पूरी फुल स्पीड में, और कर्व्स भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मुझे स्पीड का भी, बट आप देख सकते हैं रोड पे मज़ा आ गया है इस वाले पे चला के गाड़ी, ये रोड ऐसा रहेगा तो मज़ा आएगा। बट आप देख सकते हो आगे ट्रक पास लेता हुआ,
और दिख रहा है दूर से शायद टोल आ गया है। ओह शिट मैन, बिल्कुल थोड़ा सा ही रूट था ये, ज्यादा लंबा रूट नहीं लगा ये, बिल्कुल थोड़ा सा ही था। तो दोस्तों अब हम जाते हैं, जहां से बस जा रही है वहीं से ले लेते हैं पास, और टोल को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं टोल पे क्या होता है, कि थोड़ी सी और आगे करनी पड़ेगी। ये क्या, टोल में फंस चुके हैं हम लगता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा एंटर का। टोल पे बिल्कुल सही खड़ा हूँ मैं, बट टोल कट नहीं रहा, फास्ट टैग का चक्कर है लगता है। टोल कट नहीं रहा दोस्तों, पीछे लेनी पड़ेगी थोड़ी सी और, पीछे लेके मुझे आगे लेनी पड़ेगी, बट आई गेस टोल कट नहीं रहा है यार। क्या प्रॉब्लम होगी, कई कबार का मतलब कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ से टोल कटता नहीं। मुझे लगता है मुझे लेफ्ट से काटना, राइट से काटना चाहिए था जहां से ट्रक जा रहे हैं, पर मैंने गलती कर दी दोस्तों। तो दोस्तों आई गेस यहाँ से निकलेगी नहीं गाड़ी, अब इसके लिए मुझे अगला एपिसोड बनाना पड़ेगा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है।